बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो मौका देना चाहती है मुझे, और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि नागौर जो है वो मोदी जी का जो एक सपना है कि 400 सीटों से ऊपर इस बार आए एनडीए की, तो नागौर उनमें से एक होगा। नागौर में 2019 में हनुमान बेनीवाल भाजपा के गठबंधन में लड़े थे, आपके एक वो बड़े प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, आर्च राइवल माने जाते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर वो आरएलपी की तरफ से खड़े होते हैं तो मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय या फिर कड़ा रह सकता है? बिल्कुल है, वो अपनी पार्टी के सुप्रीमो खुद हैं, वो फैसला जो लेना चाहे वो ले सकते हैं, और अगर कांग्रेस के साथ भी आज अगर गठबंधन करके आते हैं तो स्वागत है उनका, जिसको पार्टी वो उनका फैसला है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ में विश्वास जताया है और मुझे लगता है कि माहौल वैसे भी आप देखें कि दो बार जब मैंने चुनाव लड़ा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की 25 की 25 सीटें आई थी, हमारी सीट हम कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे और हम हार गए थे, लेकिन उस वक्त हम धारा के विपरीत चल रहे थे। जो एक नया नेशनलिज्म का एक जज्बा हम देखते हैं आजकल स्पेशली यूथ में जो देखते हैं, वो चीज 10 साल पहले नहीं देखी जाती थी। अब जब आप किसी को देखते हैं तो जो एक राष्ट्रवाद की भावना है वो कहीं ना कहीं लोगों में सामने आने लगी है। आदमी अपने आप को इंडियन बता करके और गर्व महसूस करता है, चाहे वो विदेश में भी होता है तो भी वो यही कहता है कि भाई मैं इंडियन हूँ। आपको लगता है राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म जो है वो बड़ा मुद्दा है, और जो जमीनी मुद्दे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजी रोटी, रोजगार की, वो क्या गौण हो चुके हैं मुद्दों के तौर पर? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मुझे नहीं लगता कि जितना 10 साल में पीछे सरकार ने काम किया है कोई और सरकार इतना काम कर सकती थी। बार बार बेरोजगारी की बात कही जा रही है, राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में पाकिस्तान से दोगुना बेरोजगारी है, तो किस तरह से आप इसकी बात? राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 15 सीटों पर भाजपा ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, और उनमें से एक महत्वपूर्ण सीट है नागौर की, जहां से ज्योति मिर्धा का नाम घोषित कर दिया गया है। ज्योति जी, आप लंबे समय से कांग्रेस में रही, उसके बाद आपने पिछले साल भाजपा ज्वाइन की, और जिस तरह से भाजपा को विधानसभा चुनाव में जीत मिली, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं उसका एक फलस्वरूप आपको नागौर से लड़ने के लिए कहा गया है? मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने बहुत विश्वास जताया है। एक ही दिन में पहले संगठन में एक जिम्मेदारी दी और उसके बाद जब टिकट अनाउंस हुई तो पहली लिस्ट में नाम आ गया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो मौका देना चाहती है मुझे, और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि नागौर जो है वो मोदी जी का जो एक सपना है कि 400 सीटों से ऊपर इस बार आए एनडीए की, तो नागौर उनमें से एक होगा। नागौर में 2019 में हनुमान बेनीवाल भाजपा के गठबंधन में लड़े थे, आपके एक वो बड़े प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, आर्च राइवल माने जाते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर वो आरएलपी की तरफ से खड़े होते हैं तो मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय या फिर कड़ा रह सकता है? देखिए, उस टाइम परिस्थितियां बहुत अलग थी। जैसा आपने देखा कि इस विधानसभा चुनाव में एक भ्रम लोगों का टूट गया, जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि न पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आएगा न कांग्रेस का आएगा, और लोग ये प्रचार कर रहे थे कि भाई सरकार की चाबी हमारे हाथ में रहेगी कि किसकी सरकार बनवाए, तो वो भ्रम अब टूट चुका है। विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसके बाद में बीजेपी की क्लियर मैंडेट मिली है, उनकी सरकार बनी है, तो अब जो जनता का मानस है वो जो पहले एक भ्रम बना हुआ था वो अब नहीं है। ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे तो बहुत चेंजेस आए हैं उसके बाद में, और जब सरकार बन जाती है उसके बाद वैसे भी सरकार के प्रति भी एक रुझान होता है, तो बहुत पॉजिटिव है। हनुमान बेनीवाल कई बार इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं कि उन्होंने आपको चुनाव में पहले जितवाया 2009 में, और कई बार आपकी तरफ से भी बयान आता है, तो क्या लगता है कि आप चाहेंगी कि सामने वो आकर खड़े हों ताकि जो फाइट है वो चैलेंजिंग हो सके? आपको लगता है अगर चैलेंजिंग होती है? बिल्कुल है, वो अपनी पार्टी के सुप्रीमो खुद है, वो फैसला जो लेना चाहे वो ले सकते हैं, और अगर कांग्रेस के साथ भी आज अगर गठबंधन करके आते हैं तो स्वागत है उनका, जिसको पार्टी वो उनका फैसला है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ में विश्वास जताया है और मुझे लगता है कि माहौल वैसे भी आप देखें कि दो बार जब मैंने चुनाव लड़ा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की 25 की 25 सीटें आई थी, हमारी सीट हम कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे और हम हार गए थे, लेकिन उस वक्त हम धारा के विपरीत चल रहे थे, और आज तो अगर उन दो से देखा जाए तो आज जो माहौल है वो और भी ज्यादा मोदी जी के पक्ष में है। तो मोदी जी के पक्ष में, पर ऐसा क्यों मानती हैं आप? क्या ऐसा हुआ है आपके हिसाब से जिसकी वजह से आप कह सकें कि माहौल जो है वो भाजपा या नरेंद्र मोदी के पक्ष? देखिए, जो मेरी नजर में, ये मेरा अपना वो हो सकता है, लेकिन जो एक नया नेशनलिज्म का एक जज्बा हम देखते हैं आजकल स्पेशली यूथ में जो देखते हैं, वो चीज 10 साल पहले नहीं देखी जाती थी। अब जब आप किसी को देखते हैं तो जो एक राष्ट्रवाद की भावना है
वो कहीं ना कहीं लोगों में सामने आने लगी है। आदमी अपने आप को इंडियन बता करके और गर्व महसूस करता है, चाहे वो विदेश में भी होता है तो भी वो यही कहता है कि भाई मैं इंडियन हूँ। आपको लगता है राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म जो है वो बड़ा मुद्दा है, और जो जमीनी मुद्दे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजी रोटी, रोजगार की, वो क्या गौण हो चुके हैं मुद्दों के तौर पर? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मुझे नहीं लगता कि जितना 10 साल में पीछे सरकार ने काम किया है कोई और सरकार इतना काम कर सकती थी। बार बार बेरोजगारी की बात कही जा रही है, राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में पाकिस्तान से दोगुना बेरोजगारी है, तो किस तरह से आप भारत का साइज देखिए, अगर वो परसेंटेज टर्म्स में बात करें, और वो राहुल गांधी हैं, वो अपने आंकड़े कहां से लेकर के आते हैं ये तो उन्हीं को ज्यादा पता होगा, लेकिन ये सारे हमारे पास में आंकड़े पड़े हुए हैं और आप देखेंगे कि हर एक फील्ड के अंदर कुछ प्रोग्रेस जरूर आपको कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं, कुछ में बहुत ज्यादा है, कुछ में थोड़ी कम, और एक मैंडेट अगर और मिलती है तो मुझे लगता है कि उन कमियों को भी दूर करने की कोशिश। अगर राजस्थान की बात करें, अगर भाजपा ने इतना अच्छा किया है जैसा आप कह रही हैं, तो क्यों कई सिटिंग सांसदों की टिकट काट दी गई है? राहुल कस्वा की टिकट चुरू से काट दी गई, देवजी पटेल को टिकट नहीं दी गई है जालौर सिरोही से, तो क्या आपके हिसाब से? बीजेपी का नीचे जो ग्राउंड पर जो तंत्र है वो बहुत स्ट्रांग है, और जो ये सारा कुछ जो फीडबैक आता है उस पर डिपेंड करता है कि वो सीटें किसको दी जाएं। तो किसी पर्टिकुलर केस में नहीं जाते हुए मैं इतना जरूर, मेरे को पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं सर्वेज वगैरह के अंदर उनकी एंटी इनकम्बेंसी आई भी होगी।